नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24x7 न्यूज़। आज हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आए हैं। संगीत जगत का एक बहुत बड़ा नाम जिसे बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है, गुलशन सुमन जी। गुलशन सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्लासिकल संगीत हो, गजल हो, सूफी संगीत या फिर पंजाबी गाने, हर विधाओं में महारत हासिल है गुलशन सुमन जी को। आइए उन्हीं से कुछ सवाल करते हैं। गुलशन जी, पहला सवाल, कब शुरुआत हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ना हुआ और अब तक करीब 4 एल्बम आपकी लगातार धूम मचा चुकी है, नया क्या? मेरी संगीत की सीखने की जो शुरुआत है हमारे घर से ही हुई है। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जो कि पंजाब के मशहूर संगीतकार मलंग उस्ताद जी के शागिर्द थे। उनसे मैंने जो जिसको कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है संगीत की, वो मैंने हासिल करना शुरू की। वो टाइम था जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, छुट्टियां होती थी हमारी, समर वेकेशंस होती थी, विंटर वेकेशंस होती थी, तो हम जाया करते थे वहाँ और उनके पास बैठने का मौका मिलता था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होता गया। सबसे पहले फिर उन्होंने जो मेरे को सिखाया वो तबले से शुरुआत की। कहते जी, तबला जो है संगीत का एक बेस होता है, तबले से ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हारमोनियम, बांसुरी वगैरह कई कुछ सिखाया। तो इस तरह से मेरी संगीत की पहली जो है शुरुआत। गुलशन जी, पहली आपकी एल्बम जो आई थी चुनर बोरी रंग डाली, काफी मशहूर हुई, उस एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब और कैसे वो दर्शकों तक पहुंची। पहली एल्बम मेरी 2012 के आसपास हुई थी। उसमें क्या था कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ भजन्स थे जो भी निर्गुणी भजन्स होते हैं वो उनको मैं कंपोज करके रखे हुए थे। अब क्योंकि मैं जॉब करता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और वो भी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे काम होता गया तो इस एल्बम के ऊपर काम शुरू हुआ। तो 2012 में मेरी सबसे पहली जो भजन्स की एल्बम थी चुनर मोरी रंगडारी, वो रिलीज़ हुई थी और इसका जो टाइटल सॉन्ग है साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी, ये कबीरदास जी का एक शब्द है, उसी से हमने इसका टाइटल लिया। हम चाहेंगे कि उसकी 4 लाइनें गुनगुना के बताएं। जी, साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी, साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी, चुनर मोरी रंगडारी, चुनर मोरी रंगडारी, चुनर मोरी रंगडारी, साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंग। बहुत सारे स्टेज शो, बहुत सारे कार्यक्रम आपने देश भर में किए, दर्शकों का प्यार उन स्टेज शो में आपको कैसा मिला, क्या एक्सपीरियंस? जहाँ भी हम प्रोग्राम करते थे, भजन संध्या हो गई या और भी कहीं प्रोग्राम करते थे, तो ये गाना जरूर मैं गाता था और बल्कि लोगों की फरमाइश भी आने लगी हुई, ये वाला एक जो शब्द है ये जरूर सुनाइए। और उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया, वो सूफी संतों के ऊपर काम शुरू किया और सूफी एल्बम मेरी 2016 के आसपास रिलीज़ हुई थी, मैं तेरे कुर्बान। वो उसका भी टाइटल हमने बाबा बुल्ले शाह का एक काफ़ी है, मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे, उससे हमने लिया। और ये अपने ये जो एल्बम है ये भी काफ़ी दर्शकों ने बड़ी सराही, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं। गुलशन जी, सोनोटेक पर जो आपका गीत हिट हुआ, उसके बाद एक भजन आया और उसके बाद पंजाबी गानों की एक सीरीज आपने शुरू की, जिसका पहला गाना जो है दर्शकों के सामने आ चुका है और हम लोग स्क्रीन पर भी उसे देख पा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, सोनोटेक के थ्रू ही ये वाली एल्बम रिलीज हुई थी, क्योंकि हमारा सारा काम प्रोडक्शन का पूरा हो चुका था। तो सोनोटेक के जो भी थे डायरेक्टर, उनसे बात हुई। चुनर मोरी रंग डाली से लेकर पंजाबी संगीत तक एक लंबा सफर तय करने वाले गुलशन सुमन जी के साथ ये हमारी मुलाकात रही, काफी अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 24x7 चैनल का धन्यवाद करूंगा और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने घर पे आके ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया।
और ये जो मेरा एल्बम का पहला गाना पंजाबी एल्बम का मैनू हो गया प्यार, ये बहुत ही दर्शकों ने सराहा और इतना प्यार मिला कि ये गाना अभी तक का हमारा सुपर डुपर हिट गाना रहा है। मैं चाहूँगा कि दो लाइनें इसकी दर्शकों को सुनाऊँ। जदों तेनू मैनू हो गया प्यार, तेनू तक दे ही मैनू हो गया प्यार, रातां नू नींद ना आवे कुड़िए नी कर ले तू मेरा एतबार। हो। थैंक यू। थैंक यू।